तो यार क्या हाल है एंड वेलकम टू आई एम डी वाई प्रो यूट्यूब चैनल। मैं हूं डीडी आपका यार। और यार WWDC 2021 बस होने वाला है कुछ ही दिनों में, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रांड न्यू iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 और बहुत सारी नई चीज़ें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं iOS 15 के बारे में, iPadOS 15 के बारे में, देखेंगे कुछ रेंडर्स और बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा थैंक्स जाता है एंजेलो लिबेरो को, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं इटली से, जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है उनके iOS 15 और iPadOS 15 के रेंडर्स को। और यार बोलना पड़ेगा कि इन रेंडर्स को देख के ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली में एप्पल के नए iOS और iPadOS को देख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नया iOS और iPadOS आने वाला है वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाला है, और अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो थैंक यू एंजेलो फॉर शेयरिंग योर रेंडर्स एंड योर डिज़ाइंस विथ मी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं iOS 15 के लॉक स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया लॉक स्क्रीन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं iOS 15 में, किस तरह से सारे ऐप जो हैं वो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अपने विजिट्स को। और यहाँ पे बहुत बढ़िया रूमर है कि iOS 15 में अब आप विजिट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन के साथ। iPadOS का जो लॉक स्क्रीन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, काफ़ी रिफाइंड लुक आ गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐप लाइब्रेरी, जो कि हमने लास्ट ईयर देखा था iOS 14 में, लेकिन ये सिर्फ iPhones पे अवेलेबल था। तो ऐप लाइब्रेरी हम देख सकते हैं iPads में भी अभी, जहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं अपने अलग अलग ऐप्स को। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया रूमर है कि हम देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले iPhones में और iPads में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फीचर है ये अनलॉक होगा जब iPhone 13 लॉन्च होगा इस साल के एंड में, और जो नए iPad Pros हैं उसमें भी ये फीचर हमें देखने को मिलेगा नए iPadOS में। इसके बाद आते हैं सेटिंग्स ऐप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स के ऐप में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आप ऐप अपडेट्स देख सकते हैं, iCloud स्टोरेज देख सकते हैं, ऐप्स को यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं, उनके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया लुक आ चुका है सेटिंग्स ऐप का। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हम सब के लिए अपने अलग अलग ऐप्स को मैनेज करने का, उनके सेटिंग्स को मैनेज करने का सेटिंग्स ऐप में। अब आते हैं कंट्रोल सेंटर पे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन निकल के आ रहा है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है मैक ओएस बिग सर से। यहाँ पे आप अपना अकाउंट देख सकते हैं, अपने सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। राइट में एक टर्न ऑफ का बटन है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होगा फाइनल डिज़ाइन में, क्योंकि एप्पल को टर्न ऑफ या पावर ऑफ वाला बटन सामने रखना अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हैं अपने वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा को, और इसके साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हैं अपने अलग अलग कंट्रोल्स को, जैसे कि ब्राइटनेस, वॉल्यूम, एयरप्लेन मोड, स्क्रीन मिररिंग वगैरह वगैरह। तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा, और एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी मैक ओएस और iOS में। वहीं जो iPadOS का कंट्रोल सेंटर है, इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल iOS 15 की तरह है या मैक ओएस बिग सर की तरह है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है सारे प्लेटफॉर्म्स में। अब ये नेक्स्ट फीचर है, ये थोड़ा 50-50 वाला मामला है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ये फीचर है मल्टीपल यूज़र अकाउंट्स इन iPads। जी हाँ, हम देख सकते हैं इस फीचर को iPadOS 15 में, जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स अपने iPads पे, जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट से, आपका भाई या आपकी बहन लॉगिन कर सकते हैं उसी iPad में अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, और एक्सेस कर सकते हैं उनके डेटा को। तो आप बताना आपको क्या लगता है कि ये फीचर आएगा या नहीं आएगा, आ गया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा iPads में। एंड फाइनली कुछ फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं iOS 15 और iPadOS 15 में, वो है इम्प्रूवमेंट्स मल्टीटास्किंग में और फेस टाइम में। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग को, जहां पे आप वीडियो कॉल के दौरान शेयर कर सकते हैं अपने iPad या अपने iPhone के स्क्रीन को। इसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नया वॉच ओएस, जो कि है वॉच ओएस 8, नया मैक ओएस 12 और नया टीवी ओएस, जो कि है टीवी ओएस 15 इस WWDC में। फाइनली बात करते हैं हम हार्डवेयर के बारे में। इन सारे सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ नए हार्डवेयर, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ब्रांड न्यू चिप, जो कि है एप्पल का नेक्स्ट जनरेशन का सिलिकन, जिसका नाम होने वाला है M1X। और इसके साथ साथ एप्पल लॉन्च करने वाला है एक नया मैकबुक प्रो, जो कि होने वाला है 14 इंचेस और 16 इंचेस में। तो ये जो नए मैकबुक प्रोज हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस WWDC में, इसमें हम देख सकते हैं एप्पल का ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि मिनी LED डिस्प्ले, जिसे हमने देखा था इस साल के iPad Pro में,
जो नया MacBook Pro है वो आने वाला है 14 इंच और 16 इंच के कॉन्फ़िगरेशन में, और इसमें हम देख सकते हैं HDMI और MagSafe कनेक्टर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चिप की, तो जो नया M1X चिप है इसमें हमें देखने को मिलने वाला है 10 कोर का डिज़ाइन, यानी कि 8 हाई परफॉर्मेंस कोर और 2 हाई एफिशिएंसी कोर। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाले हैं ये आने वाले हैं 16 कोर GPU और 32 कोर GPU में। तो यार कैसा था वीडियो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि इस इवेंट में कुछ और भी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये जो इवेंट है WWDC का, ये होने वाला है 7th जून को एप्पल के वेबसाइट पे, एप्पल के यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं 7th जून 10:30 रात को। लेकिन अगर आप इस इवेंट को नहीं देखना चाहते हैं तो इस इवेंट के बाद आप आ सकते हैं मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम हमेशा की तरह करेंगे इस पे एक एनालिसिस और बात करेंगे क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिनको आप क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना भूलना मत। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।